प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। इस कार्य में संभवतः 65 से 75 मिनट का समय लग सकता है। लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। January 22 पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय काल गणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है, मृक्षरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। January 22 को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं, पत्थर की है। हमारे अनुमान से ₹150 से ₹200 के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, January 22 को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य, आदिवासी गिरिवासी समुद्र तटवासी द्वीपवासी जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, खेल
वैज्ञानिक, सैनिक, प्रशासन, पुलिस, राजदूत, न्यायपालिका, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, मैं अगर ये कहूं, आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं सब लोग आएंगे। पद्मश्री प्राप्त राम जन्मभूमि के लिए ही जिनके जीवन का उत्सर्ग हुआ उनके परिवारों के आज कुछ जीवित मंदिर को निर्माण करने वाले दो लोग हैं, लार्सन टुब्रो आप जानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लार्सन टुब्रो के समकक्ष टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स TCE। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी टोली है जिसको आप वेंडर, सब कॉन्ट्रैक्टर कोई नाम दे सकते हैं। इनका सिलेक्शन लार्सन टुब्रो और टाटा ने मिलकर किया है। हर एक ने छोटे छोटे काम अपने जिम्मे लिए, सबका कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन लार्सन टुब्रो और टाटा ने किया। ऐसे सब के रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, ये भी एक बड़ी संख्या में साक्षी बनेंगे। मैं मानता हूं ये संख्या लगभग 500 रहेगी। इंजीनियरिंग ग्रुप, इसका नाम दिया जा सकता है इंजीनियरिंग ग्रुप। साधु संतों में सारा भारत, सभी भाषा भाषी, शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, शाक्त शक्ति के उपासक, गणपति की उपासना करने वाले, सिख, बौद्ध, जैन, छह दर्शन है, सभी दर्शन, कबीरपंथी, वाल्मीकि, आसाम से शंकर देव की परंपरा, स्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, उड़ीसा का महिमा समाज, पंजाब के अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधास्वामी और स्वामीनारायण, स्वामीनारायण का मतलब गुजरात, जिनके प्रवर्तक छपिया में पैदा हुए, महाराष्ट्र का वारकरी, कर्नाटक का वीर शैव, लिंगायत, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय,
अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव। ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। इस कार्य में संभवतः 65 से 75 मिनट का समय लग सकता है।